पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सेल्स टैक्स की वसूली पहली तिमाही में 25% घटी, गिरावट के बावजूद 2020-21 में 7-9% बढ़ोतरी की उम्मीद। कोविड जैसी महामारी में लोगों को आर्थिक दिक्कतों से मिलेगा छुटकारा, बीमा कंपनियां सरकार के सहयोग से पूल बनाने की तैयारी में। इस साल जुलाई में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 82% की गिरावट, केवल 21 लाख लोगों ने देश में की हवाई यात्रा। AIB ने केरल के कोझिकोड में क्रैश हुए विमान की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, 5 महीने में पूरी होगी जांच। लॉकडाउन में शादी टलने के बाद नवंबर में जमकर होंगी शादियां, शुभ मुहूर्त में वेडिंग वेन्यू ना मिलने से बिना मुहूर्त ही शादी को तैयार हैं लोग। अब अमेजन से दवाएं भी की जा सकेंगी ऑर्डर, कंपनी ने लॉन्च की फार्मेसी डिलीवरी सर्विस। स्पाइसजेट की नई सर्विस में अब व्हाट्सएप से हो जाएगा वेब चेक इन, फोन पर ही मिलेगा बोर्डिंग पास। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्यम नडेला के हाथ में दिखने वाला एंड्रॉइड स्मार्टफोन अब आम आदमी तक पहुंचेगा, 4 साल बाद फोल्डेबल स्क्रीन वाले सर्फेस डुओ से माइक्रोसॉफ्ट की वापसी। 5G ट्रायल में शामिल नहीं हो पाएंगी हुवावे और ZTE, सरकार जल्द कर सकती है बैन का ऐलान, रिलायंस जियो को देसी तकनीक के साथ मिलेगा फायदा। पेटीएम मनी से भी होगा शेयर बाजार में निवेश, ₹10 में इंट्रा डे ट्रेड करने वाला फीचर हुआ लॉन्च।